नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गए, आप लोगों से मुलाकात भी नहीं हुई। इस समय तो गर्मी बहुत ज्यादा चालू है, एक तो इलेक्शन की गर्मी और दूसरे फागुन की गर्मी। इलेक्शन की गर्मी में नेता लोग परेशान हैं और फागुन के गर्मी में भोले बाबा के दीवाने, माता रानी के दीवाने, क्योंकि नवरात्र भी बीच में आ रही है, तो इसके लिए सब लोग अपने अपने ही राग में रगे हुए हैं। बहुत से लोग माता रानी के भक्त इस समय नवरात्र की भी तैयारी कर रहे हैं, और जो पॉलिटिशियन हैं वो अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो हमारा त्यौहार है हम सबका होली का, वो भी बीच में आ गया है। तो इस समय गर्मी सरगर्मी बहुत जोरों से है। दोस्तों, घर पे आज यहाँ पर माता रानी का भजन रखा गया है, तो मैं आप लोगों को उसी भजन में मिलने की कोशिश करूँगा, और आप लोग भी साथ में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा प्रोग्राम होगा, भजन भी होगा। वैसे भजन होते रहता है, लेकिन आज का भजन कुछ खास है, क्योंकि होली भी है और माता रानी का जो भी आ रहा है। तो आइए दोस्तों, हम सब लोग एक साथ मिलकर माता रानी के भजन में भी शामिल होते हैं। ये देखिए दोस्तों, घर के अंदर माता रानी की पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है, और धीरे धीरे जो भक्त मंडली हैं उनका भी आना। अभी रानी की जय हो शेरावाली की। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़े समय में भजन मंडली के कुछ लोगों से मिलता हूँ, और अब धीरे धीरे भक्तगण यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। एक बात बता देना चाहता हूँ कि उम्र के साथ माता रानी का भजन का जो जज्बा है, जो जोश है, वो कम नहीं होता है। हमारे साथ में इस समय वेदांति तिवारी और अम्मा जी। अम्मा जी की उम्र हो चुकी है, फिर भी जो गाने का उनका लहजा है, जबान है, वो बहुत ही बढ़िया है। उम्र के साथ ताकत भले ही कम हो जाए, लेकिन जो माता रानी का स्तुति करने का उनका ढंग है, वो बहुत विशेष है। मैं आप लोगों को अम्मा जी से मिलाता हूँ, और दबंग गायिका वेदांति तिवारी से भी मिलाता हूँ। तो आइए दोस्तों, ये सामने से आप देखिए, ये लोग अपने गाने की तैयारी कर रही हैं। अम्मा जी हैं और वेदांति तिवारी जी हैं। अम्मा जी बहुत अच्छा तो देखिए, वेदांति तिवारी के मुख से सुनिए कि अम्मा जी के बारे में वो आपको बताएंगी। बहुत अच्छा गाती हैं, और रामनगर में इन्होंने बहुत अच्छा टीम तैयार किया है अपना गाने का, भजन करने का, साथ में लेके चलती है, हमारे साथ भी चलती है, गाती भी अच्छा है। और हम लोग आज माता जी का भजन करेंगे, आप लोग को सुनाएंगे, आप लोग सुनिएगा, और दबंग ब्लॉगर पर देखिएगा हम लोग क्या क्या भजन करते हैं, और सपोर्ट करिएगा तिवारी जी का। और आज एक फगुआ का छोटा सा मुखड़ा सुनाती हूँ आप लोग के लिए, जो कि होली आने वाली है, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। अरे फगुनवा में रंग रस रस बरसे, फगुनवा में रंग रस रस बरसे, रस रस बरसे हो, रस रस बरसे, रस रस बरसे हो, रस रस बरसे, फगुनवा में रंग रस रस बरसे, फगुनवा में रंग रस रस बरसे। बाग वाली भी गए बागीचा वाली भी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग जिस जोश खरोश के साथ होली का ये गाना सुनाए, अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। हमारी साथ में अम्मा जी हैं, जो विशेषकर मैं उनके लिए आज यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अम्मा जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप कोई छोटा सा मुखड़ा हमें सुनाइए, चाहे होली का हो या माता रानी का हो। आपकी आवाज़ में आज भी रसीलापन है, वही माधुरीपन है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपना एक छोटा सा भजन का मुखड़ा सुनाएं। झोला
अम्मा की जय हो। बहुत बढ़िया लगा, लेकिन अम्मा जी का ये ओरिजिनल आवाज नहीं है। अम्मा जी का जो गांव का आवाज है, मैं दर्शकों को वो सुनाना चाहता हूँ और मैं भी सुनना चाहता हूँ। ये तो ठीक है, माता रानी का उनका आशीर्वाद है उनके ऊपर कि वो माता रानी का बहुत सा भजन और कीर्तन करती हैं, लेकिन जो उनका ओरिजिनल गांव का आवाज है, मैं दर्शकों के सामने वो चीज लाना चाहता हूँ। तो फिर से मैं अम्मा जी से निवेदन करता हूँ कि एक छोटा सा मुखड़ा जो गांव का है, बचपन में अपने बचपन में अम्मा जी गाना गाया करती थी, वो गाना आज हमको सुनाए।
धन्यवाद। आपका सेहत सदैव ऐसा बना रहे। बहुत अच्छा आपकी गायकी है और बहुत अच्छा माता के प्रति आपका श्रद्धा है, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिर मैं आगे मिलता हूँ आप लोगों को। जय श्री राम, जय श्री राम।